एक मैच के दौरान मोहम्मद अली हार के कगार पर खड़े थे। उस बॉक्सिंग मैच में उनके सामने जो फाइटर था वह बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके पंचों ने मोहम्मद अली को बुरी तरह से घायल कर दिया था। मोहम्मद अली जमीन पर पड़े थे, उनकी हार निश्चित थी। सबको ही लगता था कि अब मोहम्मद अली नहीं जीतने वाले। अली के बिहेव ने यह जवाब दे दिया था कि उनकी कंडीशन अब दोबारा उठने लायक नहीं है। इस बुरी हालत में उनका टैलेंट, स्किल, पावर ने कोई साथ नहीं दिया। लेकिन एक चीज थी जो उनको सारा दे रही थी, वो थी उनका दृढ़ निश्चय, उनका बर्निंग डिजायर। उनकी दृढ़ इच्छा बार बार अंदर से पुकार रही थी कि उठ खड़े हो, क्योंकि तू हारने वालों में से नहीं है। ये मैच तेरा है, तुझे इस कॉम्पिटिटर को किसी भी कीमत पर हराना है, क्योंकि तू विजेता है, तू विनर है, उठ खड़े हो, उसे हरा। आपको यकीन नहीं होगा, मोहम्मद अली पूरे जोश के साथ में खड़े हुए और अपने सामने वाले फाइटर को बुरी तरह से हरा दिया। मैच के बाद जब लोगों ने पूछा, आप तो इतनी बुरी तरह से नीचे पड़े थे, फिर आप अचानक कैसे उठ गए? तब मोहम्मद अली ने बताया कि यह मेरा बर्निंग डिजायर है, यह मेरी दृढ़ इच्छा है कि मैं कितनी बुरी तरह से अपने गोल को पाना चाहता हूं। ताकत और स्किल अपनी जगह है, टैलेंट अपनी जगह है, नॉलेज अपनी जगह है। जब मैं गिरा पड़ा था तब मेरी ताकत, मेरी स्किल, मेरा टैलेंट कोई काम नहीं आ रहा था। केवल मेरी दृढ़ इच्छा, मेरे उस गोल को पाने की इच्छा, उस इंसान को हराने की इच्छा मेरे काम आई। दृढ़ इच्छा इंसान को कभी मरने नहीं देती। ये एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों का सीना चीर कर राह बना सकती है। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। मोहम्मद अली जब रिंग में जाते थे तो वे रिंग के अंदर जीतने से पहले रिंग के बाहर खुद ही जीत जाते थे। मोहम्मद अली जब रिंग में जाते थे तो केवल एक ही बात बोलते थे, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द ग्रेटेस्ट। यहां तक कि वो रिंग में जाकर अपने सामने वाले फाइटर को भी बोल दिया करते थे कि ये मैच भले ही तुम जीत जाओ लेकिन महान मैं हूं। और सामने वाले को बोलते थे कि तुम्हारी हाइट क्या है। जब फाइट शुरू होनी थी उससे पहले पूछते थे कि आपकी हाइट क्या है, तो फाइटर बोलता कि आपको केवल मुझसे फाइट करनी है, हाइट का क्या करना है। तो मोहम्मद अली बोलते कि आपकी हाइट मुझे पता होगी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि जब मैं तुम्हें बुरी तरह से नीचे गिराऊंगा तब मुझे कितने कदम पीछे हटना है। सामने वाले को हराने से पहले उसको मन से हरा देते थे। ये मोहम्मद अली का कॉन्फिडेंस लेवल था। सामने वाले को मन से तो पहले ही हरा देते थे, फिर बस सामने वाले को फिजिकली हराना होता था। उनका यह कहना था कि जीतने से पहले खुद को विश्वास दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं विजेता हूं, मैं विनर हूं, मेरी लड़ाई का जो भी रिजल्ट हो लेकिन मैं विनर हूं और मैं विनर रहूंगा। जो इंसान रिंग में जाने से पहले ही मैच को जीत चुका हो, सोचिए रिंग में जाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा। यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट था कि हर जीत से पहले खुद को जीत लेना और कहना आई एम द विनर, आई एम द ग्रेटेस्ट। मोहम्मद अली का कहना है कि पहाड़ की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। दोस्तों, मोहम्मद अली का यह विचार मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डाला है। वहां पर कुल मित्र सर्च करके हमें वहां जरूर फॉलो करें। हम इस तरह के विचार, हम इस तरह के मोटिवेशनल कंटेंट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं, तो वहां जाओ और हमें वहां फॉलो करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो। आपके लाइक करने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह की वीडियो और बनानी चाहिए आपके लिए। और अगली वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो डायरेक्ट नोटिफिकेशन में मिल सके। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।